बस चुप हो भाई। वे शांत हो गया था। देखो भाई 800 रुपये कितने हो गए, 882 ना। सबको पता है ना भाई, क्या आप अगर दर भी पूछ सकता है और टाइम भी पूछ सकता है भाई, इसने टाइम पूछा था ना। आप क्या लिख रहे हो, देखो ये 800 इधर लिख रहे हो ना बार बार, आप क्या कर रहे हो भाई। भाई शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ भाई। 800 यहाँ पे लिख रहे हो बार बार भाई, फिर जो रेट है, अगर रेट ना दे रखी हो तो उसमें आर लिख रहे थे वहां पे ना, ठीक है भाई। 105 बटे 100 बार बार आपको पता है, काट के 21/20 आना है, 21/20। और कितनी बार लिखूं मुझे नहीं पता, कितना हो जाए 882, ठीक है। फिर नीचे आएगा देखो 21/20 टी इज इक्वल टू यहाँ पे, हाँ जी, तो ये कितना हो गया 441/4, और ये कितना है 21/20 का स्क्वायर। तो आधार बराबर है तो पावर बराबर, और पावर बराबर हो तो आधार बराबर करके हम रेट निकाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना अब तक, ठीक है। चलो ये बताएं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी 250 है भाई, ऐसे भी तो हो सकता है रेट हर वर्ष बराबर ना हो, ठीक है ना, है तो 4 यानी 104/100, और फिर 8 108/100। अच्छा ठीक है, आपको ये पता है 2500 का 100 पूरा कट रहा है, क्योंकि ये मुझे पता है ये कटेगा। 4 × 2 = 24। देखो भाई वैसे 2 में था, और आपको फिर निकाल लेना भाई 26 और 108 की गुना करोगे तो 2600 पूरा ना, और 20 अट्ठे कितने, 26 अट्ठे कितने होते हैं 208, कितने 208 ही तो होते हैं, कंफ्यूज हो मत होना, ठीक है। बताना भाई, और नीचे ये 10 था, 280.8 में से ये घटा दोगे तो अपना ब्याज आ जाएगा, सबका होगा ना भाई। ये उसने पूछा कितनी हो जाती है, मिश्रधन पूछा है, क्या पूछा है मिश्रधन, तो आंसर कितना हुआ मेरा 280.80, ठीक है। ये भी आपने कर लिया, ठीक है, ये भी आपने निकालना था। बस एक बार रुक जाओ, मैं बता देता हूँ भाई, मूलधन पूछा हुआ है और ये मिश्रधन दिया हुआ है ना, मूलधन पूछा हुआ है इसमें भाई, तो मिश्रधन कितना हो रहा है 7803, और आपने इधर मूलधन नेक्स्ट मानना था, तो नीचे वाले 100 इधर आएंगे ना ऊपर, और जो ये 104 है अर्धवार्षिक दिया हुआ था तो दो, हाँ 102 और 102, ठीक है। अर्धवार्षिक ये रिवाइज करवा रहा हूँ, विकल हो गए थे आपकी, ठीक है, ऐसे काटोगे आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। आपने ये भी निकाला था 6 माही है तो 2T लिख दिया था ना, टाइम को 2T लिख दिया था ना, ये बात सारे समझ रहे हो भाई। 1000 से कितनी हो गई, देखो थोड़ा सा और लिख दूं इसको, ये ब्याज क्या है भाई, प्रति 6 माही है, 6 माही होगा तो एक साल में 6 माही कितनी 2, ठीक है, एक साल में 6 माही कितनी 2। हाँ जी जल्दी आए, अच्छा हुआ गया आप आगे, आप दोनों अच्छे क्वेश्चन होने हैं भैया। ब्याज 1000 रुपए की राशि अगर 6 माही है तो दर को, हाँ जी बैठ जो, अगर 6 माही है तो दर को आधा करो और समय को 2 गुना करो, अगर 3 माही है तो दर को 4 से भाग करो, समय को 4 से गुना करो। यहाँ पे समय निकालना है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार आपको लिख के दिखा दू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर उसने 1000 कहा तो मैंने 1000 रुपए लिख दिया भाई, ठीक है, और 20% दर से तो 110 करनी पड़ेगी क्योंकि 6 माही है, 110/100,
और टाइम क्या लिखना पड़ेगा, जो टाइम लिखते थे उसको दोगुना करना पड़ेगा, 2T लिखना पड़ा, और कितना हो गया वो 1331। बात समझ रहे हो सारे के सारे? ठीक है, तो ये ऐसे और ये इधर आ गया नीचे, 11/10 की पावर कितना, 2T इज इक्वल टू 1331/1000। ये 10 का क्यूब है, वो 11 का क्यूब है, तो 11/10 का क्यूब, और ये बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो टी इज इक्वल टू 3/2। ये 2T = 3 था तो टी यहां पे रह गया, 2 नीचे चला गया, 3/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, ऐसे टाइम निकाल रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है भाई। ये फिर से अर्धवार्षिक था तो इधर हो जाएगी 105/100 और उसकी पावर 2T हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 21 का क्यूब है, अर्धवार्षिक 18 महीने आपने फिर से निकाला था ना, अब अर्धवार्षिक है तो 2T हो गया था और दर आपकी आधी हो गई थी 110। हाँ जी, 6 माही और अर्धवार्षिक की बात होती है भाई। ठीक है, तिमाही और त्रैमासिक की बात होती है। देखो चलो इसको समझा ही देता हूं, अभी मैं एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को, कुछ मत करें, बस एक बार पढ़ लें आप, कुछ मत करना भाई। पढ़ लिया ना? ठीक है, आज देखो तो एक बार, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको कि भाई ब्याज चक्रवृद्धि निकालने का कैसा तरीका है। एक तो हम अगर उसको साधारण ब्याज लेकर चलें, जैसे आपको पता है मैंने 10% से, मान लो मेरा मूलधन 100 है, तो आपने, मैंने ऐसे करके दिखाया था मूलधन 100 है और 10 है 10%, तो आपने ऐसे करके निकाला था 110, जो अब हम यूज कर रहे हैं भाई, हम यही तो तरीका यूज कर रहे हैं, 11 11 121, और 121 में से 100 घटा दिया तो मेरा ब्याज कितना रहा भाई, 21। ऐसे अब तो हम कर रहे हैं भाई अब तो हमेशा। ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 10% की दर से आप साधारण ब्याज भी इसको लो, कैसे कि पहले वर्ष 10 लगेगा, अगले वर्ष भी 10 लगेगा भाई। ठीक है ना, साधारण ब्याज जो रेट होती है वही लगता है, 10 और 10। फिर अब मैंने ये बताया था कि ब्याज पर ब्याज भी लगता है, अब उसी दर से ब्याज पर ब्याज भी लगा देते हैं, जो पहले वर्ष 10 मिलना था अगले वर्ष 10 ही तो मिलना ही था, तो 2 वर्ष की बात है, तो पहले जो 10 था इस पर भी तो 10% ब्याज लगा है, वही तो ज्यादा आया है मेरा, तो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1। पहले वर्ष तो 10 मिलना ही है, अगले वर्ष क्या मिलेगा, जो साधारण ब्याज पर मिलना था वो तो मिलना ही था, और इस ब्याज पर ब्याज और मिला था, ये बात मैंने बताई थी, इस ब्याज पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज पर ब्याज तो मिलना होता है ना, यही तो बात यहाँ पे हो रही है। पहले 100 था, 10% ब्याज मिल गया तो 110 बन गया, फिर एक उस पे 10% निकाला आपने, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे कैसे यूज करूंगा मैं, आपके तरीके आप बस समझ बनानी है, कैसे भी आप कर सकते हो भी इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है, तो तीसरे वर्ष के लिए उस राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी जो ब्याज मिला हुआ है उस पर ही तो 12% लगना है, यही तो बात कहना चाहता है, जो ब्याज आपको मिला हुआ है ना 250 रुपये दूसरे वर्ष का जो मिला हुआ है उसी पर 12% ब्याज लगा दो, बस वो यही बात कहना चाह रहा था भाई। 250 का 12% निकालने का तरीका, या तो 12 निकाल के इसमें ऐड कर दो, या 250/100 लिख के 112 की वैल्यू निकाल दो, बस ठीक है। 25 दाई 2500 का 100, और कितना हुआ ये, कोई बात नहीं 280 आना भाई, क्यों डर रहे हो, नहीं काटी मैंने, 25 दाई लिख दिया ना, 25 दाई 250, 2500 चार से काट के 280 आ गया, इस तरीके से। देखो वो इसको क्या कहना चाहता है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपये है, तो मूलधन बताएं 10% दर से, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 11 हो गया, 11 की वैल्यू इतने के बराबर, ऐसे क्वेश्चन एक आएगा आपके सामने। देखो मैं बताता हूं इसको फिर से, देखें भाई, देखें प्लीज देखें भाई, मेरा मूलधन है 100 रुपये, कितना है, और मेरी 10 दर है 10%, तो पहले वर्ष का आप क्या लिखोगे, 110/100, तो यहां से ब्याज कितना हुआ, 10 रुपये हो गया भाई, मेरी बात समझ रहे हो भाई, 10% की दर से 100 का 110 110 आ गया, 110 में से 100 घटाओगे तो एक वर्ष का ब्याज 10 ही रुपये आया। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं 10% की दर से ही 110/100,
आप इन लिख रहे हो भी यहाँ पे 121 आया, तो 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 2 वर्ष का कितना है आपका? 21 आया ना, 2 वर्ष का कितना है भाई? 21 आया है। तो जब आप ये बता सकते हो, जब पहले वर्ष तो भाई जो रेट होती है ना वही ब्याज होता है, पहले वर्ष जो रेट होती है वही ब्याज होता है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना? 10। तो दूसरे का कितना बच गया? 11 बच गया ना भाई, जब दोनों का 21 आया हुआ तो पहले वर्ष 10 है तो दूसरे का कितना बचा हुआ? 11। ये बात आप समझे भाई, है ना? या फिर आप 10 पर ही 10% लगा देते तब भी 11 आना है, एक ज्यादा होना है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो इसी क्वेश्चन में मेरे भाई देखो, इसको कैसे आप करोगे, इसने कहा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 250 है, तो पहले वर्ष तो 12 रहना है ना? आप इसको कैसे लिखोगे? देखो 100 गुणा 112, थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं, गुणा 112 बटे 100 ऐसे लिखोगे भाई, ठीक है? ठीक है भाई, जब आप इसको काटोगे, 112 का स्क्वायर आपको पता है ना, बता दो। हाँ ये नहीं है, 112 का स्क्वायर भूल के निकालना, 12 का स्क्वायर बनाया, 144 लिखा, एक असल ऐड करा और 12 इसमें ऐड करे, 125, ठीक है? 125 बाई 44, तो यहां से मिश्रधन कितना आया भाई? इसमें से ये घटाओगे, सॉरी मिश्रधन ये आया, इसमें से ये घटाओगे तो मेरा ब्याज आ गया ना 25.44, ये मेरा ब्याज आ गया है ना। 2 वर्ष का आया है, कितने वर्ष का आया है? 2 वर्ष का मेरे भाई, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो जो दूसरे वर्ष का, देखो अब जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज मेरा होगा वो कितना हुआ? पहले का तो 12 रहना है भाई, पहले तो 12 रहना है, दूसरे का कितना हो गया? 12 13.44। देखो कितना लंबा आप इसको बनाना चाहो तो जो 250 है ये 13.44 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है? 13.44 की। अब उसने कहा तो तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो अब आपको देखो ये तो आपका 2 का हो गया था, यहां से मैंने आपके 2 के लिए निकाला, आपको ऐसा फिर से लिखना पड़ता है भाई कि आपको 3 वर्ष का देखना पड़ता। फिर देखो, हाँ हाँ जी, जो जो ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज होता है, वो वही चलता है हर साल, वही चलता है, जो रेट होती है हमारी वही चलता है भाई, ठीक। फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं अब 3 साल का दिया हो ना उसने, 2 का पैसे कर लेता है मैं, ठीक है? 3 का 112 बटे 100, देखो कितना लंबा क्वेश्चन आपका बन जाता है, 112 बटे 100, 112 बटे 100। अब आप क्या करते, पहले वर्ष का 12, दूसरे वर्ष का इतना, और 3 साल का निकाल के उनमें से इन दोनों को घटाते, फिर आप उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आता है ना। उस छोटी सी बात को आप ऐसे पकड़ो मेरे भाई, जो ये 13.44 आया हुआ, पहले वर्ष का 12 है, अगले वर्ष का 13.44 है, तो ये कैसे आया हुआ है? इस 12 पे इसी रेट से निकाल दो आप, जो 12 दर है ना 12 बटे, क्या हुआ अभी इसको? अच्छा ये हिल रही थी, हिला था ना कुछ, बस ठीक है ठीक है, इसको एक तरफ कर दें अच्छा बस कोई नहीं भाई, अच्छा वो हिल गया था वहां से, बस बस कोई बात नहीं, बस बस कोई बात नहीं भाई, फिर हो जाएगा, ठीक है। बस ठीक है भाई, देखो एक बार 2 वाले से निकाल के मैं आपको दिखा दूं भाई, वही बात मैंने आपको एक बार समझा भी दी, इसको खत्म करो भाई यहां से, हाँ ठीक है छोड़ो। देखो ये मेरा यहाँ पे 2 साल का कितना आ रहा है भाई? 44, यानी 2 साल का आपका रहा है अभी 25.44, यानी पहले साल का 12 जो रेट है वो तो है ही, और दूसरे साल का कितना बना? 13.44, क्योंकि इसमें से घटा के मैंने देख लिया है ना। या फिर इस ब्याज को निकालने का ये तरीका भी भाई, जो आपका पहले वर्ष का ब्याज है,
कितना है, 12, इस 12 पे 12% ही लगा दो, जो रेट है ना आपकी वही लगा दो, तो 12 का 12% निकाल के ऐड कर दो, या 12 का 112% लगा दो भी, 12 दुनी 24, 2 12 एकम 12 और 2 14, असल लगा 1 12 एकम 12 और 1 13 बटे 17.44। देखो ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ है ना। अब तीसरे वर्ष का निकालने का तरीका, या तो 112 बटे 100 करके ऐसे करो, उसमें से इन दोनों का घटा दो, या तीसरे वर्ष का कैसे हो सकता है, 13.44 पे ऐसे देखो कितना लंबा क्वेश्चन आप बनाओगे, और गुणा में 112 बटे 100 ऐसा कर देना, वो तीसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं भाई, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यहां से आप ये बात समझे भाई, अगर 2 वर्ष से आप ये अच्छे से समझे हो कि जो मेरे पहले वर्ष का ब्याज कितना बना था, जो रेट थी वही बनता है, पहले वर्ष का ब्याज जो रेट होती है वही बनता है, तो पहले वर्ष का ब्याज मेरा 12 बना था, दूसरे वर्ष का क्या बना था, 12 का 12% मैंने बढ़ा दिया था ना, तो और तीसरे वर्ष का कैसे बना था, जो 2 वर्ष का ब्याज था जो 13.44 था उसका 12% बढ़ा देता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 250 रुपये, कितना है 250, तो मेरा तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसके वो रेट ही तो बढ़ा दूं मैं, बात समझ रहे हो, हाँ जी, तो ये 250 था, 12% कैसे बढ़ाओगे, 112% बना दो ऐसे, ठीक है। 25 दाई 25 चौका और 4 दूनी और 8, 280 रुपये का आंसर एकदम से हो जाएगा भाई, ठीक है, बात समझे, ब्याज पर ब्याज बढ़ाते ऐसे हैं भाई, ये इसका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक, 250 का 12% ऐसे ही तो बढ़ाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा करके देखना हो जाएगा। ये तो दर पूछी हुई है, जल्दी बताएं भाई, दर आसान है, तो दर पूछी हुई है, 1800 की धनराशि 2178 हो जाती है, दर पूछी हुई है 2 वर्षों में, दो तरीके बताए मैंने इसके करने के, हाँ दर पूछी हुई है, हाँ जी दर पूछी हुई है, इसको ऐसे लिख रहा हूं बस मैं, 100 में दर जोड़ते ही तो हुआ भाई आप, और टाइम कितना है 2, कितना हो जाता है 2178 है ना, वही काम तो आप कर रहे हो यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है, इसको उठा के इधर नीचे ले आता हूँ भाई मैं यहाँ से, हाँ जी 9 से काटना है तो 9 से काट लें भाई, और नीचे 100 है बन जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, 9 दुनी 18, 9 चौके 36, हाँ जी 2 से 100, और ये कितना हुआ 121 है ना। देखो अब ये 11 का स्क्वेयर कैसे भी करते रहो आप, 100 प्लस दर बटे इतना, ये इसका स्क्वेयर है, तो ये 11 का और ये 10 का, तो 11 बटे 10 का स्क्वेयर हो गया, और जब पावर सेम है तो 20 बराबर ले लोगे, पावर सेम है तो 20 बराबर ले लोगे ना, तो यहां से ये 10 से 10 गया, 11 दही 110, 110 और दर इधर जाके 100 घट जाएगा, कितनी हुई 10 है ना, वही काम आपने ऐसे करना सीख लिया था, 1800 ऐसे लिखा, 2178 ऐसे लिखा, वर्गमूल निकालना है, अगर कटता हो तो काट दो फिर वर्गमूल निकाल दो, ठीक है, कट रहा था आपकी मर्जी है, फिर से वही देखो जैसे यहाँ पे काटा हुआ वही तो कर रहा हूँ भी मैं, वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है गलत कर दिया, 200 और कितना 242, कट रहा था तो 100 और कितना 121, तो देखो तो इसका कितना बार आया 10, उसका कितना बार आया 11, 10 से कितना हो गया 11, 1 बढ़ गया 10 पे गुणा में 100, कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी यही चीजें यहाँ पे करनी है, शॉर्टकट सेम ही है भाई, इसको सीखते रहें वो कुछ नहीं है, ठीक है, बैक आने के लिए है, तो यही चीज थी भाई, 10 गुना होना है बस, ठीक। बताएं ब्याज दर कितनी हो गई, जल्दी बताएं, 100 121 है, 10 11 है, दस प्रतिशत ही तो है, देखते ही समझ जाया करो, 100 और 121 उतार है भाई वहां पे, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष तो किसी न किसी का स्क्वेयर बनना है, और 2 से काट रहे हो तो ये 1000 और ये 12, ये 12 10, 0 0 कट गई, बताओ 121 बटा 100 यानी 11 बटे 10 का स्क्वेयर है, और स्क्वेयर होते ही बराबर हो जाएंगी और आपकी रेट आ जाएगी 10, ठीक है ना, 10, ठीक है,
बहुत अच्छे से कर रहे हो भाई आप, 10 से ज्यादा। देखो यही 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 तरीके होते हैं भाई, एक बार बेसिक सीखने के बाद ऐसे तो होता है, आपको पता है भाई। ये देखो देखते 242 दिखते समझ में आ रहा है, 121 11 सब कुछ समझ में आ रहा है आपको आपके। और अगर अर्धवार्षिक हो तो 2 टी कर दो इस तरीके से, बस क्या फर्क पड़ रहा है वहां पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, आप देखो ये क्वेश्चन बस, वे देखो एक बार ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, कुछ मत करो, एक बार पढ़ना है, कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है? देखो देखो एक बार ये क्वेश्चन देखो बस प्लीज, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1000 रुपये और कितने हो जाते हैं, 1331। तो वो कहने को इस बात को ये भी कह सकता है, 1000 का 1.331 गुना तो है, ये 1000 का 1.331 गुना तो है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, उसका उतना गुना लिखना था आपको। अब उसी क्वेश्चन पे आओ, मैं क्या बात कह रहा हूँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दूँ और फिर आप करना। देखो क्यूब 12 आना है, बस क्यूब 12 आना है तो 10। देखो भाई देख लो एक बार, समझ लो इसको, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, ठीक है? 1.331 गुना, तो एक बार इसको लिख लोगे, 1.331, इसके नीचे 1000 आएगा ना, ठीक है? तो मैं कह दूं एक धनराशि इतनी गुना हो जाती है, तो आप नीचे वाले को धनराशि मान लेते हो, आपने धनराशि क्या माननी, 1000 रुपये मान ली, और भाई वो 3 वर्ष में हो रही है, दर का पता नहीं, तो आप क्या लिखोगे, 100 जमा R/100, और पावर कितनी टाइम होती है, कितनी हो जाती है, 1000 का इतना गुणा निकालोगे तो कितना आएगा, 1331 की तो आएगा ना, बात समझ रहे हो भाई? अगर आप इस धनराशि को मेरे भाइयों, अगर यहाँ पे मानने में कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी आप 1 मान लेते और इसका गुणा निकालते, आप 1 गुणा 1.331 ऐसे हो जाती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। लो मैंने धनराशि मानी 1, कितनी हो जाती है इतनी, फिर ये घूम के नीचे जाएगा, जो यहाँ पे मूलधन होता है नीचे चला जाता है ना, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ये घूम के नीचे आ गया 1, तो इसके लिए 3 जीरो नीचे लगा दो भाई, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना, बस ठीक है। फिर क्या हुआ, ये 1331, ये 1000, तो फिर ये क्या है, ये तो 10 का क्यूब है, ये तो 11 का क्यूब है, और जब क्यूब है तो क्यूब बराबर है, तो 100 जमा R और बटे 100, कितनी बार आप देखोगे कैसा, उससे ही तो 10 आना है, 11 दाई 110 और इसमें से घटा दो तो R कितना हुआ भाई, 10। ये बात थोड़ी बहुत समझे भाई, इतना गुना था बस लिख दिया, क्या दिक्कत हुई, एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप भी समझ जाओगे भाई। देखो करके दिखाओ ये क्वेश्चन भी, तीन से ही 3/8, 8 या 24 और 3 27/8 हो जाती है, 50 आंसर आए तो बताना भी। क्यूब होगा ना, हाँ हाँ जी 50 आंसर आ गया बस, हाँ वही 50 है, मैंने कहा ना 50 आए तो बताना, बिल्कुल ठीक है, आप सारी चीजें समझ जाओगे भाई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, आठ से ही सॉरी 3 से ही 3/8, यानी 8 या 24 और 3 27/8, वह कितनी हो जाती है, 27/8। हाँ जी, तो आप बोल देना 8 मान लोगे ना नीचे वाला, ये 8 मान लिया, और कितनी हो जाती है इसका, 27/8 गुना करोगे तो कितनी जाती है भाई, 27 होगी ना, ठीक है, तो और गुणा में आप क्या लिखते हो, 100 जमा R/100 में कितना, 100 ऐसे ही तो लिखते हो ना मेरे भाई, और उसका क्यूब लिखते हो, अरे 27 8 दिखते ही क्यूब समझ में आ जाएगा आपको, आगे आगे प्रैक्टिस करते ही, कि ये तो क्यूब है किसका, 3 और 2 का है ना, 3 और 2 का क्यूब है, ठीक है, तो 2 से 50 और 50 या 150, और R=150 में से 100 गया कितना, 150 सॉरी 50,
150 में से 100 गया 50, समझना भाई सारे के सारे, मानना आपको आता ही है, कितनी बार मैंने मान के दिखा दिया। सुनील नहीं आया भाई, ठीक है, 3 से 3/8, 8 से 24, 27/8 हो जाता है, बस बताओ क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसी तरीके से आप यूज कर रहे हो, किसी को और वो शॉर्टकट, अरे वही तो बात थी, 8 से 27 हो जाना, क्यूब रूट बाहर आना है, इसका 2 इसका 3, 1/2 गुणा 100 50, बस अभी मत जाना वहां पे, ये भी सेम ही काम है भाई, ये सेम ही काम है, बट वो तरीका बदल के आपको कुछ भी बेवकूफ बना रहे, वहां पे कुछ एक चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये कभी कंफ्यूज नहीं करेगा ये तरीका, ठीक। हाँ जी, मैं देखो मैं कह रहा हूं कि कभी आपको ऐसा डाउट हो जाए, मैं भाई 3/3 ऐसे कुछ लिख दूं जानबूझ के आपको ना पता चले क्यों बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये लिखते ही आपको पता है कि ठीक है कटपट के आना है, बट एक बार मैं ऐसा लिख दूं आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो कह रहा हूं बस मैं। कहां से वहां पे, यहां पे 2 से 50 आ गया, तो फिर 50 ऊपर जाके गुणा होना ना, 50 दिया 150, ठीक है। ये स्टेप छोटे होते हैं भैया, अपना ऐसे छोटा करना सीख जाओ आप, है ना। वो मैं खाली इस वजह से कह रहा हूं कि मैं ऐसा लिख दूं जानबूझ के आप थोड़ा सा ना समझ पाओ इस वजह से, बट यहाँ पे आप देखते ही समझ जाओ, आगे यूज होंगी ये चीजें, आपको ये पूरा रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। लो चलो करके दिखाएं, अभी बताओ, देखते ही समझ जाओगे, करके और दिखाएं भाई। 8 गुना 8 गुना जैसे 3 है, 1 का क्यूब 1 बार आना है, 8 का 2 बार आना है, 1/100 होगी, और करके देखो अभी, निकाल के देखो, रटे ना कुछ भी, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही हुई हैं और आपकी भी ऐसे ही होंगी भाई, ऐसे रटे ना कि ये क्या कह रहे हैं। तीन वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, हाँ जी बिल्कुल सो है, 3 वर्ष में कितनी हो गई, 8 गुना, आपने 1 मानी तो 8 गुना हो गई भाई, और दर निकालनी है तो क्यूब रूट बाहर आएगा ना, तो 1 का तो 1 ही बार आता है, और 8 पे कितना 2, 1 से 2 हो गई, 1 बढ़ गई, किस पे, 1 पे, प्रतिशत के लिए 100, तो 100% रेट थी, है ना, वरना आप यहाँ पे लिखते कि राशि आपने 1 मानी वो कितनी गई 8, मूलधन 1 है और 100 + r, और नीचे आप लिखते 100 और इसकी पावर लिखते आप टाइम कितना 3, और कितनी हो जाती है 8। देखो वही बात है यहाँ पे भी, अभी 8/1 बना क्यूब, तो अरे ये तो 2 की पावर 3 और 1 की पावर 3 यानी 2/1 की पावर कितना 3, ठीक है, ऐसे ही तो लिख रहे हो भैया आप, ठीक है। ऐसा होते ही बेस पावर बराबर होते ही आप बेस सेम कर लोगे, 100 + r/100 = 2, 1/2 का मतलब कुछ होता ही नहीं आपको पता है, 100 × 200 और r 200 में से 100 गया, है ना। जब आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, जब भी इन तरीकों से भी करेंगे, एक बार प्लीज आप इस बेसिक को जरूर समझ लेना भाई, दिमाग में चीजें अपने आप बैठ जाएंगे, ठीक। कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर लिखना भी नहीं पड़ता इन क्वेश्चन में तो आपको, बट पहले मैं फिर बताऊं, मैं डायरेक्ट आपको ये कहूं कि कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, तो वो आपका टाइम ही खराब होगा भाई, ना आप बेसिक समझ पाओगे, ना आप ट्रिक समझ पाओगे, कुछ नहीं होगा फिर वहां पे, है ना। तो ये आपको पता है कैसे हम लिख रहे हैं बार बार इसको, है ना, ठीक है। बस ये क्वेश्चन चेंज होता है, आप एक बार इसको पढ़ें, कुछ करें ना भाई इस क्वेश्चन का। रिंकू समझ में आ रहे होंगे ना, बस ठीक है, देखो आ जाओ, बस पढ़ा ना, कुछ नहीं करा ना भाई, ठीक है। एक बार अब इसकी दो चीजें बताता हूं, पेपर में इसको कैसे करना है, और जो हम अब तक करते आए हैं उसका हम इससे रिलेशन कैसे बनाते हैं उन चीजों को, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां समझ दर्शाएगा, अगर आप कभी टीचर बनोगे ना तो आपकी समझ दर्शाता है भाई। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी 1 थी, ठीक है, मूलधन यही था, मूलधन गुना दर, पता ही नहीं क्या लिखूं, 100 + r,
ना मूलधन पता है ना दर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, और अच्छे से समझ लेने के लिए यहाँ पे एक्स लिख लोगे, ठीक है, एक भी लिख सकते हो और एक्स भी, अगर कोई कहे तो 100 प्लस R। और आप कितने लिखते हो भाई, 15 वर्षों में दोगुनी होती है, 15 यहाँ पे इसकी पावर लिखी, और दोगुनी कितनी, 2x, है ना। देखो x से x कट जाता है भाई, इस वजह से 1 और 2 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात आप समझ रहे हो भाई, 1 से 2 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बचा, 100 प्लस R बटे कितना, 100 की पावर कितना, 15, और किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर। अब क्या निकालें, रेट निकालें कि क्या निकालें, रेट निकालने जाओगे इसकी पावर अंडर रूट 15 करना पड़ेगा, कंफ्यूज होगे ना। ठीक है आगे चलते हैं, ये पेपर वाला कहता है, सॉरी सॉल्यूशन कहता है कि हमने समीकरण 1 मान ली इस तरीके से, यहां तक तो सबको समझ में आया ना, अभी लिखते आए हम। फिर वही धनराशि, ठीक है वही धनराशि, उसी दर से, दर तो वही रहनी है भाई, उसी दर से 100 प्लस R बटे कितना, कितने समय में, कितने समय में, हाँ जी कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 8 गुना, बस ठीक है 8 गुना हो जाएगी। ठीक है ये कटा भाई, ये ऐसे कट गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई अब 100 प्लस R, ये तो मेरे को टाइम को तो पता ही नहीं भाई, उसने कितना समय पूछा है ना, इस टाइम का तो मेरे को पता ही नहीं। 100 प्लस R बटे में कितना, 100, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, ना आएगी तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात समझ में। इसको आप कितना लिख सकते हो भाई, इसको कितना लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 3, कितना लिखा, 2 की पावर 3, ठीक है। क्या ये 2 आपको कहीं और दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है ना भाई, ये 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो इस 2 को हटाता हूं मैं यहां से, मैं क्या करता हूं मेरे भाई, मैं लिखता, इसको तो ऐसे लिखूंगा 100 प्लस R बटे 100 की पावर कितना t, और इस 2 को इसकी जगह उठा के मैंने लिखा यहां पे 100 प्लस R बटे 100 की पावर कितना, 15। ये पूरा उठा के लिखना था ना यहाँ पे, ये तो इस 2 की जगह आया है, इस 2 की जगह आया ना भाई, ठीक है। और ये फिर इसकी पावर 3 बची हुई थी, ठीक है, और पावर से पावर गुणा हो जाती है, आपको पता है ना पावर से पावर गुणा होती है, तो 15 * 3 = 45। अरे अब तो बेसेम हो गया, बेसेम होते ही तो टी बराबर कितना हो गया, 45, टी बराबर कितना हुआ, 45, तो इसका आंसर कितना आएगा, 45। ये हमारा बेसिक है इसके पीछे, लेकिन पेपर में इसको ऐसे नहीं करना। अब इसके सारे स्टेप खत्म करके हम पता क्या करते हैं, देखो 2 3 ये 45 कैसे हुआ, सारे स्टेप खत्म करते हैं इसके, हुआ यहाँ से ही है। देखो तो आपको करना क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसका बेसिक जिसको सीखना है दोबारा एक बार वीडियो में देख लेना आप, है ना, वैसे समझ में भी आ जाएगा भी। देखो आपको लिखना कैसे है, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, और एक बात पे ध्यान दें यार, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। तो आप लिखना 15 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुनी, ऐसा लिख दिया, ये वर्ष है, 15 वर्ष में 2 गुनी होगी। फिर आपसे कुछ भी पूछेगा कि भाई कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी ना। अब ये बताओ ये 8 इसकी पावर बन दी भाई यहाँ पे, क्या ये इसकी पावर बन दी है 8 यहाँ पे, कितनी है ये, 2 की 3, ठीक है भाई, मैंने कितना लिखा, 2 की 3, 2 की 3। तो इस पावर को ना, इस पावर को देखो, इस पावर को इस 15 से गुणा कर दो, 15 * 3 = 45 वर्ष, ये 45 वर्ष कैसे आ रहे हैं भाई, इस पावर के साथ गुणा होके, इस पावर के साथ गुणा होके, 15 * 3 = 45, समझे। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 15 वर्ष में 2 गुनी हो गई, कितनी करवानी है, 8 गुनी, 8, 2 की पावर 3 बननी है ना, उस पावर से गुणा कर दो इस टाइम इसकी, 15 * 3 = 45, ये सारे काम यहाँ पे हुए हैं। देखो 2 की 3 बनाया, ठीक है, क्या 15 की 3 से गुणा हुई, 2 की 3 बनाया ना पहले 8 को,
और उस टाइम की उस 15 की गुना 3 से हो रही है भाई, यहां से उठ के आया ये क्वेश्चन आपका 15 * 3 = 45। तो ये इसका शॉर्टकट है जो आपको पेपर में जैसे करना है, फिर आप इस तरीके को समझे। आप 15 वर्ष में 2 गुनी जितनी कहे उतनी लिखें, 15 वर्ष में 2 गुनी कितनी बनानी है, 8 गुनी ना, तो 8 2 की पावर 3 बन रहा है अभी वहां पे, ठीक है, गुना कर दिया 15 * 3 = 45। एक क्वेश्चन करके दिखाए मुझे, 15 बस सबको पता है, 5 * 3 = 15। एक बार कॉपी पे लिखें आप किसकी गुना किससे कर रहे हो, एक मस्त क्वेश्चन बनेगा यहां से, फिर देखना आप। पांच वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 8 गुनी बनानी है भाई, 8 गुनी, 8 * 2 = 3 ही तो है, 5 * 3 = 15 वर्ष, इस पावर की गुना कर रहे हो आप भी यहाँ पे, ठीक है, 5 * 3 = 15 वर्ष, सब कहा है ना भाई, ठीक है, जल्दी बताएं भाई। हाँ जी, 24, 6 वर्ष में 3 गुना और 81 गुना पूछा है, तो 81 क्या है, 3 की पावर 4, छह वर्षों में 3 गुना ऐसे लिखा ना भाई, 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, हमें क्या है, कितने वर्षों में 81 गुना, 81 क्या है, 3 की पावर 4, यानी 3 को 4 से गुना करने पर 3 को 4 बार गुना करने पर 81 आता है भाई, तो 6 * 4 = 24, ये 24 वर्ष कहां से आए भाई, पावर के साथ गुना की है आपने, है ना, पावर के साथ आपने गुना की है, बात समझ रहे हो भाई आप, पावर के साथ आपने गुना की है, पावर किसकी बनी, इसी की बनी थी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी बताएं। है बारह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 12, चार वर्षों में भाई, 4 वर्षों में कितना, 4 गुना, ठीक है, कितनी चाहिए, 64, 4 की पावर 3 होती है भाई, 4 की पावर 3, 4 * 16, 16 * 64, तो 4 * 3 पावर के साथ गुणा की है ना, फिर आपने पावर के साथ गुणा की तो आपका टाइम आ गया भाई, ठीक है, पावर के साथ गुणा की तो 4 * 3 = 12 वर्ष आपका आंसर आ गया, अच्छी बात है, जल्दी बताएं। 15, हाँ जी, 5 वर्षों में 2 गुनी कितने वर्षों में, 8 गुनी हो जाएगी, 2 की 3 है ना, तो 5 * 3 = 15, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी बताएं। 28, बहुत ठीक है, हाँ जी 28, ठीक है भाई, अपने मन मन में करें, आपको कुछ और अड़ंग बड़ंग करना है ना, तो मन मन में करें भाई, ठीक है, दूसरे का काम खराब ना करें, आपकी वजह से कुछ भी गलत हो सकता है अभी, हाँ जी, तो 2 गुना और आप कर लोगे इसको, 2 की पावर 4, 7 * 4 = 28, कितना है मामन, 6 के, 6 के नहीं भी, K की पावर 6, हाँ वो बात अब यहां पे यूज हो रही है, आ जाओ देखो अभी फर्क समझे भाई इसमें, बस यहां पे हम क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में, देखो ये आपका पहले वाला क्वेश्चन था, क्या क्या दिया हुआ था फिर समझे भाई, 7 वर्ष 2 गुणी, हिला दिया क्या,
नहीं, बस भाई समझ लें ध्यान से, 7 वर्ष कितनी? 2 गुने। ठीक, कितने वर्षों में? ये यहां पे निकालना था ना, कितने गुना? 16 गुना। और 16 क्या है? 2 की पावर 4। ये पावर 4 यहां से उठाई, यहां पे लाए और गुना हो गई, आंसर कितना आया? 28। ठीक है भाई, जो नहीं समझ पाए उनके लिए, 5 वर्ष में के गुना हो गई, 5 वर्ष यह था, के गुना हो गई। ठीक है, 30 वर्षों में कितने? तो यहाँ पे 30 तो पहले लिखा हुआ है ना भाई, 30 तो लिखा हुआ है ना, 30 वर्षों में ये 30 कैसे आया? 6 से गुणा होके 5 6 का 30, ना पता चले तो इस 30 को 5 से ही भाग करवा दो, है ना, 5 6 का 30। और ये क्या थी? ये पावर ही तो क्या ही थी, कहाँ की? इसकी ना, ये 6 ही टूट के यहाँ पे आता है, तो के की पावर कितना? 6। कितना सिंपल था, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो भी। देखो हाँ, इसको दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वैसे आप इसको कर सकते हो, जल्दी करके बताएं भाई। निकालें भाई, मन बनाया आंसर, मना बोल देना, काफी चेक करूंगा पहले चेतावनी दे। पता है जब नॉलेज अच्छे से होना तो बहुत सी चीजों को आप कई जगह कनेक्ट कर देते हो, कई जगह। लास्ट क्वेश्चन है, हम जी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बड़ा बच्चा है बच्चा तो कह नहीं सकते, ये बड़ा बच्चा है कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़ा बच्चा। ओहो हो, चलो कोई नहीं, हाँ कार्ड का दिखा भी, ना ना तू कार्ड ले ले, मैं पास से चेक कर लूंगा। 80 की तरह आई थी जी, अरे वो 2500 करियो, इतना उतर आ। ठीक चलो, हाँ भाई चलो आ जाओ भाई, आ जाओ इस क्वेश्चन को बिना रेट निकाल ले, बिना रेट निकाल ले। हाँ जी आ जाओ, कैसी का स्क्वायर बता दे भाई मैंने, क्या बता दिया? नहीं कैसी का स्केयर बताना, स्केयर रूट नहीं बताना भाई, रहने दो मत बताओ। गुना करना भी इनकी, कैसी का पैसे डिक्सिट था ना, हाँ भाई आर सी बताएंगे अभी। ठीक है गुना, ठीक है ना, है कती ना था, है आ जाओ। ठीक है हाँ,
क्यों मैं बार बार कैसे स्केयर लिखूं मेरे भाई, आ जाओ। चलो ठीक है, अब मैंने पता क्या यूज किया, एक बार दोनों तरीके से बताता हूं। मैंने इस क्वेश्चन में जो अब तक आप फ्लो में चल रहे थे ना, इतने गुना हो गया इतने गुना हो गया, मैंने वही यूज किया। 2500 से कितनी हो गई 8100, तो कितना गुना हुई देखो, ये मूलधन 25 हुआ तो ये 81, तो क्या कितने गुना हुई वो 81/25 गुना, है ना भाई। ये मिश्रधन होता है आपका, और ये नीचे आप नीचे वाला मूलधन मानते हो, ऊपर वाला मिश्रधन मानते हो। मैंने क्या करा, मैंने कहा कोई धनराशि आपने यहाँ पे वर्ष लिखे, 2 वर्ष में 81/25 गुणा हो गई। क्या बात, यहाँ पे सही है, समझ रहे हो भैया बाप। ठीक है भाई, भाई 2500 से 8100 हो गई, तो मैंने 0 0 काट के लिख लिया। ये मिश्रधन होता है नीचे, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बोल देता कोई धनराशि 2 वर्षों में 81/25 गुणा हो गई, तो आप क्या कहोगे, 25 मूलधन 81 मिश्रधन। ठीक है, 2 वर्ष में इतनी हो गई, 4 वर्ष पश्चात ये चार कैसे आया, 2 से गुणा हो क्या है ना भाई, ये चार कैसे आया है, 2 से गुणा हो क्या आया है। ठीक है, और दो, वो दो क्या है, ये दो पावर ही तो है किसकी, इसकी। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, कोई धनराशि 2 वर्ष में खुद की 81/25 गुना हो गई, 4 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। आप कहोगे 4 वर्ष, अच्छा ठीक है, इसकी पावर उसकी पावर कर दोगे ना। ठीक है, तो वो धनराशि खुद में 2500 थी, और 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, इतने गुना हो जाएगी ना भाई, 81 का स्क्वेयर यानी 81 गुना 21, और 25 का स्क्वेयर यानी 25 गुना 25। अरे बस क्या था, ये यहां से आ गया बस, 26244, समझो थोड़ा सा। ठीक है, बिना रेट के आप इसको निकाल सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं भाई, हाँ जी, इसी को फिर से बताता हूं, अब कनेक्ट करते हैं चीजों को। देखो ये रही, ये चीज मैंने यहां पे यूज की, देखो भाई प्लीज, 5 वर्ष में के गुना हो गई। मैं कह दूं कोई धनराशि 5 वर्ष में, अच्छा देखो देखो कितने, आप कहां पे सारी चीजें फिर से कनेक्ट करते हैं भाई, 7 वर्ष में कोई धनराशि है भाई, मुझे नहीं पता क्या है, 2 गुना हो गई, तो 2 मूलधन, 1 माना 2 गुना होगी, 2 होगी ना भाई। ठीक है, कितने वर्षों में, आपने ये वर्ष निकालने, कितने गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी भाई, 16 गुना हो जाएगी, यानी एक थी तो 16 हो गई ना। ठीक है, 16 गुना हो जाएगी, तो ये 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, तो इस 4 को आपने गुना किया यहां से, 7 चौका 28, 28 वर्षों में। ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली। फिर मैंने अगले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने ये वर्ष दे दिए यहाँ पे, फिर आपने लिखा कोई धनराशि है एक थी तो के गुना हो गई, आपने लिखा के। ठीक है भाई, 30 वर्षों में ये 30 यहाँ पे था, ये 30 कैसे आया हुआ है, इससे 5 से 6 गुना हो गया है वो ना, ये आप कैसे निकालते, 5 से भाग करवा देते, तो यहाँ पे 6 से गुना हो गया, 30 आया हुआ है, ये 6 क्या आया है, इसकी पावर ही तो है वो, है ना। ये क्वेश्चन, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ ना भाई, कि ये जो आप यहाँ पे आ रही है आपकी, उस के की पावर ही तो बन रही है वहां पे, के की पावर बन रही है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते इसको। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में गया, मैं रुपये अभी 2500 रुपये है, वो 8100 गुना हो जाते हैं। मैंने सोचा, मैंने दिमाग में क्या सोचा भाई, कि ठीक है भाई, मैंने इसको काट के देख लिया, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता हूं, रुपये दे ही नहीं रहा, कोई धनराशि है खुद की 81/25 गुना हो जाती है 2 साल में, तो आप क्या लिखोगे, कोई धनराशि है सर वो 2 साल में कितने गुना हो जाती है, 81/25, कुछ उसमें कुछ मत देखें। मैं कहता हूं आपको कोई धनराशि 2 वर्ष में खुद की 81/25 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। आप कहोगे सर 4 वर्ष, अरे ये तो 2 से गुना हो के आया है, 2 से गुना, और ये 2 क्या है, इनकी पावर ही तो बनती है ना, आप कहोगे इतने गुना हो जाती है जितनी इनकी पावर बनती है, इतने गुना हो जाती है ना भाई वो धनराशि। ठीक है, तो उस धनराशि को उठा लो वहां से, वो धनराशि है कितनी 2500, और कितने गुना हो जाएगी, इतने गुना हो जाएगी ना 4 वर्ष में, 81/81 बटे में कितना 25 गुना 25, बस कर दे तो कर दे, हमें क्या। देखो वो ऐसा करेगा भी नहीं, तो पेपर बनाने वाला अच्छा है, ठीक है, बट अगर ऐसा कर भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, वो आप देख लेना कि कैसे है, 2.5 उसकी पावर ऐसे बनती, कुछ भी कटपट के वो बनता मिलेगा पक्का। ठीक है, अगर ऐसा कर भी दे, कुछ भी आपके पास हथियार है वो भी यूज करके दिखा रहा हूँ वहां पे। ठीक है, तो ये समझे भी तरीका, आप ऐसे गुना होके और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक
देखो ये मैंने पहली बार पेपर में यूज करी थी, मैंने ये बात भी, मैं पेपर दे रहा था तो आप देखोगे कभी वो 12,000 से 1,96,000 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वो 1,96,000 हो जाती है, मतलब इतने गुना का था वो कुछ क्वेश्चन, मैंने पेपर में यूज किया था इस तरीके को। टाइम होता है ना जब आपके पास, तब कुछ भी, मैं कुछ भी यूज करता हूँ। एक पेपर में आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, ये मैंने तब इस बात को पेपर में यूज किया था अपने पेपर में बैठ के, तब से फिर ये मन में बैठ गया, अब ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी इसका बेसिक आपको पता है, ये तो इसका रहा तरीका करने का, अच्छा क्वेश्चन था ये, और आप अच्छे ढंग से इसको कर पाए होंगे। बाकी आप इसको ऐसा करते भाई, 2,500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 8,100 हो जाती है, यहाँ से रेट तो निकालना पड़ेगा ना, तो रेट कैसे निकालोगे, 100 + R / 100 की पावर कितना, 2 वर्ष ही तो हो रहे हैं ना पावर, वहां पे 2 वर्ष हो रही है भाई, और 8,100 इधर लिखा हुआ था और ये 2,500 नीचे आ गया, ठीक है ना। देखो मेरे भाई अगर ऐसे भी करना है ना, जब भी इसको ऐसे ही लिखा रहे हैं क्योंकि तो 4 वर्ष बन रहा है वहां पे, 4 वर्ष इसकी पावर 2 होनी है इस तरीके से, फिर भी मन ना कर रहा तो यहां से रेट निकाल लेंगे। ये कितने का, 9/5 का स्क्वेयर है ना, तो दोनों तरफ स्क्वेयर है, तो आपको पता है भाई पावर बराबर होते ही बेस सेम हो जाएगा, 100 + R / 100 और कितना, 9/5, 20 / 180, देन आर इज इक्वल टू कितना, 80। ठीक है भाई, आर यहां से ऐसे आपकी निकल आएगी, आर 80 आ गई, 4 वर्ष में बतानी है तो 2,500। हाँ जी अच्छा ठीक है, देखो भाई अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो इसने कहा कि 8,100 हो गई, ठीक है कितनी हो गई, 8,100 कहाँ गई आपकी, वो 80, 180/100, 180/100, कंफ्यूज नहीं होना ये 8,100 कहाँ से, अरे मेरे भाइयों कहाँ गए वो आपके 2,500 रुपए, वो 180/100, 180/100 यहीं से तो ये 8,100 बने हैं, वो यहाँ से 2 साल से तो बने हैं, आगे ऐसे कर लेते हैं आप इसको, 2,0 से 2,0, 2,0 से 2,0, बस फिर भी भैया ना है कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है आपकी समझ होनी चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हो, आएगा भाई आएगा, 324 × 81 करके देख लेना आ जाएगा, 32 लगा देना कर लेना भाई, आएगा भाई, ठीक है। हाँ जी कोई बात नहीं, समझे भाई, तो ये आपकी एक नई टाइप थी, ऐसे ऐसे करना है आपको, क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक कर लोगे ना भाई सारे सारे, एक दो क्वेश्चन और बोलूं क्या इस तरीके का, ठीक है तो बड़े वाला ग्रंथ लेके आए भाई, जाओ वहां पे नए वाला होगा वो बाहर रखा हुआ है टेबल पे होगा, हाँ एक दो क्वेश्चन बोलते हैं भाई अभी, जाए जाए जाए, ना ऐसे नहीं टपकाएगी इसको या उसको, अरे फिर मैंने किया कहाँ है भाई, ठीक है भाई जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो, बस भाई ठीक है, अरे पिटना है क्या आप सबको, चलो वैसे कल करवाने का भी मन था, वैसे आप समझ जाओगे, ठीक है ठीक, ओए ठीक है
बस भाई चलो, वैसे कल भी करवाना है इसको, आज भी करके दिखा देंगे, एक बार भी करें, क्वेश्चन करके दिखाएं। आप किस समझ का क्वेश्चन है भाई? लास्ट क्वेश्चन लिखो तो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है बस भाई। एक निश्चित मूलधन, एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। हाँ जी, एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष बाद पाया जाने वाला मिश्रधन 1210 रुपये है। 2 वर्ष बाद पाया जाने वाला मिश्रधन 1210 रुपये है तथा 3 वर्ष के पश्चात पाया जाने वाला मिश्रधन 1331 रुपये है तथा 3 वर्ष के पश्चात पाया जाने वाला मिश्रधन 1331 रुपये है। ब्याज की दर बता दें, मूलधन बता दें। चलो ठीक, ब्याज की दर बता दें, मूलधन बता दें भाई। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिखे भाई, एक स्पेशल मामन के लिए क्वेश्चन है। हाँ हाँ अरे क्वेश्चन आप बोलो, निकाल के काटने का था, थोड़ी था। अच्छा ठीक है, तो नाम नहीं लेना भाई। एक इस बच्चे के लिए क्वेश्चन है भाई, एक बड़े बच्चे के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अरे नहीं भाई, चलो छोड़ो। हाँ भाई, हाँ एक बात जो मैंने बताई हुई है उसी को यूज करना था बस इस क्वेश्चन में, और कुछ यूज नहीं करना भाई। कितना था भाई? 1200। हाँ जी, 1331। ठीक है भाई, कितना ब्याज अधिक मिल रहा है? किस पे? 1210 पे ही तो मिल रहा है भाई वो। %। कौन सी बात, जब हम ये कर रहे हैं ना भाई, 100 से 110 हो गया, तो वो 110 पे ही तो 10% बढ़ा रहे हो आप। क्या आप नहीं कर रहे वहां पे मिश्रधन? 121 कैसे आता है आपका? 121 कैसे आता है भाई? 100 गुणा 110 बटे 100, फिर उस पे 10% बढ़ाते हो। क्या आपको ये चीजें नहीं पता? मैंने दो तरीके से लिखना आपको बताया, कि ब्याज पर ब्याज बढ़ा के देख लो, या आप ऐसे कर रहे हो कि कोई मूलधन 100 रुपये था, 10% की दर से कितना हो गया अगले साल? 110 बटा 100। अगले साल फिर से 10% है ना, यानी 110 बटा 100। यानी आप क्या निकाल रहे हो भाई, इस 110 पे 10% ही तो बढ़ा रहे हो, जो ये मिश्रधन बना हुआ उस पे 10% बढ़ा के आपका अगले वर्ष का 121 आ रहा है ना। ये चीज मैंने यहाँ पे यूज की, क्या कि मेरे भाई 2 वर्ष का 1210 बन गया, और 3 वर्ष का कितना बन गया? 1331। तो ये 1 वर्ष का ब्याज कितना लगा? 121। किस पे लगा? 1210 पे, और गुणा में कितना? 10%। और अच्छे से और डीप से समझाऊंगा इनको, क्योंकि आगे पता है क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 3 वर्ष में 8,848 हो जाती है और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। लिखने एक बार इस क्वेश्चन को, और लिखने भाई। हाँ कल समझाऊंगा, एक बार लिख लें बस। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपये हो जाती है। 28, 3 वर्षों में 8,028 हो जाती है, 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, 42 हो जाती है,
यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो मूलधन बताएं, बताएं भाई। अभी 3 वर्षों में 8,028, 6 वर्षों में 12,042, तो आप उसकी रेट बता दें, मूलधन बता दें, पहले मूलधन बताएं भाई। स्टेटमेंट लिख लें, पेपर में कैसे करना है वो लिख लें। हाँ बारह हजार कितने था? पेपर में ऐसे कराना भाई, ऐसे करा हुआ ना? नहीं बस ठीक है, निकालते रहें भाई आप। हाँ ऑप्शन लिखें भाई, 5,325, 5,235, 5,352, इनमें से कोई नहीं। एक न तू था, एक न तू था। करके देख लेंगे वो। चलो ठीक है, बाकी कल समझाता हूँ इसको मैं।